दी। अभी और बताएं इसके बारे में कि जैसे कल घसीटा गया लेडीज को, हमने देखा, हमने भी जाहिर है नेट पे ही देखा कि औरतों को घसीट रहे हैं, लेडीज पुलिस उनको जो है वो उन पर तशद्दुद कर रही है, और मर्द हजरात पुलिस वाले वो दूसरे लोगों पे जो वहाँ पे थे मर्द उनके साथ वो, तो ये बिहेव तो सही नहीं है। तो लेडीज के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो इनको तीन तलवार पे ये सारा धरना लगा रहा था, उधर लगाना था धरना और धरना उधर नहीं लगाया, उन पुलिस ने आने नहीं दिया। 144 कलम कमिश्नर साहब ने लगाया तो भाई कोई भी इधर जुलूस नहीं निकाले, और उन पे 144 कलम लगाया तो उन्होंने छुपके प्रेस क्लब कराची में आके उन्होंने धरना लगाया। और कैसे पहुँचे ये टूल प्लाजा कराची वाला जो है, इधर से हर रोड बंद था, लोग धर पदर थे, भाई एक एहतजाज था ना, आप छोड़ दे आए प्रेस क्लब जलसा करे वो चले जाते, दूसरी पार्टियां आती हैं तो मुझे तो अफसोस होता है उनको वो जूस पिलाते हैं। और मैं नाम नहीं लेता हूँ, दो तीन पार्टियां हैं कराची की, उनको खाना खिलाया जाता है, उनके ऊपर फूल फेंके जाते हैं। जब कोई सिंधी औरतें निकलती हैं और जहाँ सिंधी कोई निकलता है तो उनके लिए 144 कलम आ जाता है, और उनके लिए ये पुलिस जो आके डंडे उठा के मार मार के औरतों को रोडों पे घसीटते नज़र आ रहे थे, कैसे औरतों को मार रहे हैं, कैसे उस अदीबों शायरों को मार रहे हैं और फनकारों को मार रहे हैं, उनके कपड़े फट गए, उनको ऐसे मार रहे हैं जैसे ये कोई चोरी या कोई डाकू डाका डाला है उसमें, तो ये अफसोस होता है। इनको चाहिए था तो भाई इनको छोड़ते प्रेस क्लब में, प्रेस क्लब में घुस गई पुलिस, सहाफ़ियों को मार मार के सहाफ़ियों को ऐसे बना दिया कि उनको पकड़ के घसीट के मोबाइलों में जा के फेंका उनको। सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया गया, ये सहाफ़ियों को, कैमरामैनों को कैमरा तोड़ी गई, कैमरामैनों को मारा गया, रिपोर्टरों को मारा गया, कितने रिपोर्टर बेचारे उसमें जख्मी हुए हैं। तो ये देखो ना, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का असूल है। मैं तो ये तकरीबन जो है 1999-98-97 से मैं ये मीडिया कवर करके आया हूँ स्टिल फोटोग्राफी से, ऐसा जुल्म नहीं होता था, औरतों का एहतराम होता था। पहले जो पुलिस होती थी उसमें आदाब होते थे, तभी देखो वही आईजी है, वही एडिशनल आईजी है, वही ऑफिसर है, वो जो उस दौर से एएसपी थे, एसएसपी बन गए, अभी डीआईजी आईजी बन गए, उनसे वो वाली चीज़ चली गई है। तो औरत का क्या एहतराम होता है, औरत का क्या, उनकी माँ होती है, उनकी बहन होती है, जो मारने वाले होते हैं, जो पुलिस वालियाँ हैं, लेडीज़ पुलिस है, उनकी बहन भी है, माँ भी है, पुलिस वाले की बहन भी है, माँ भी है, उस औरत को आप कपड़े उनके फट जाते हैं, उनको ऐसे घिसते हो रोडों पे, तो आपको रहम नहीं है, आप ऐसे औरतों को मारते हैं, आप ये आपको ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनिंग सेंटर में, तो उसको औरतों को ऐसे मारो और आवाम के साथ ये रवैया रखो। तो एहतराम जो है ना, एहतराम जो लेडीज़ की रिस्पेक्ट होती है, एहतराम होता है, वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। अभी मुझे तो इतना अफसोस होता है, तो मैं तो जब भी प्रेस क्लब कराची में कवर करता हूँ और करता आया हूँ, तो जब मैंने इधर लाड़काना मैंने कवर किया, सखर कवर किया, हैदराबाद कवर किया है, पर ये जो आज का दौर है ना, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस हमारे सिंध पुलिस पे, तो सारे एक जैसे नहीं हैं, पर इसमें जो भर्ती हुए हैं ना, ये सारे बाहर के लोग हैं, ये इधर के लोग नहीं हैं, जो बाहर के लोग हैं, जैसे दूसरे सूबों के लोग आ गए हैं, वो पता नहीं कैसे भर्ती हो गए हैं, वो पता नहीं कैसे उन्होंने इधर पुलिस ज्वाइनिंग की है, तो उनके डोमिसाइल कैसे बने, उनके PRC कैसे बने, उनके सर्टिफिकेट कहाँ से आए। हमारे जो लड़के हैं बेचारे सिंधी जो जहाँ सिंध के